महिलाएं ऐसा कहा, पहले एक वो था कि महिलाएं किसी भी वर्ग में आगे नहीं है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। महिलाएं एक जवान से आप मतलब कोई भी ड्यूटी है, कोई भी टास्क है, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि सेम ड्यूटी सेम टास्क। तो हमारे बीच कोई भी एक डिफ्रेंशिएट नहीं है कि हम महिला हैं तो हमारी ड्यूटी में कुछ कोई कंफर्ट जोन है या कुछ भी कंसीडर करेंगे, ऐसा नहीं है। आज महिलाएं वो महिला नहीं रही हैं, आज महिलाएं एक जवान के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलती हैं। और हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि एक महिला, कहा जाता है कि जो महिला कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता। एक महिला घर संभाल सकती है और आज यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने देश की सुरक्षा कर रही है। तो ये मेरे लिए बड़े प्राउड की बात है कि मैं एक महिला हूँ, मैं अपने घर को भी देखती हूँ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने देश की सुरक्षा कर रही हूँ। तो कितना एक गर्व होता है आज आप यहाँ पे डटे हुए हैं, पेट्रोलिंग होती है, हालांकि हर मौसम में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं यहाँ, कभी बारिश होती है, कभी ठंड होती है, कभी धुंध होती है, और बॉर्डर पे आप एकदम डटे हुए हैं। देखिए, हमारा ट्रेनिंग पीरियड होता है जो कि 1 से 1.5 साल का होता है। उस ट्रेनिंग में हमें सिर्फ यही सिखाया जाता है कि हमारी जो सफरिंग पावर है वो कितनी होनी चाहिए, कि कोई भी यहाँ पर कुछ भी आए, कोई भी, चाहे बारिश का मौसम है चाहे सर्दी है, हमारे देश की सुरक्षा सबसे पहले है। हमारे BSF का एक मोटो है, ड्यूटी अनटू डेथ, जो कि हमारे जीवन से भी बढ़ के अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट रखता है तो वो है हमारे देश की सुरक्षा। तो धूप है या कुछ भी है, वो सब चीज़ें हमारे देश की सुरक्षा के आगे कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे अभी आज, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे भी आने वाला है, क्या मैसेज देना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से? मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अपने देशवासियों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम जो कि BSF है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि सबसे आगे खड़ी है, और देश को इस बारे में ज़रा सा भी सोचने का वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हम सेफ हैं या नहीं है, क्योंकि BSF आप ही की सुरक्षा में 24 घंटे अलर्ट तरीके से ड्यूटी कर रही है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।